दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 टीम इंडिया का पहला मैच खेला जाना है साउथ अफ्रीका और कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से तीन बड़े प्लेयर्स इस मैच से पहले इंजर्ड हो चुके हैं, सबसे पहले इंजर्ड हुए विराट कोहली, इनके बाद रोहित शर्मा, इनके बाद अब डेल स्टेन, तो कौन सा प्लेयर खेलने वाला है मैच में, कौन सा नहीं खेलने वाला है, पूरी फिक्स रिपोर्ट आपको मैं आज देने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक्स तक तो पहुंचाएंगे ही। तो वही दोस्तों बात करते हैं कि खबर क्या है, कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा नहीं खेलने वाला है। तो सबसे पहले बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच के ठीक एक दिन बाद नाइट में प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हुए और इसके बाद यह भी कयास लगाए गए कि वो पहला ओडीआई मैच मिस कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन हाल फिलहाल जिस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, पूरी तरह ये श्योर्ड है कि विराट कोहली मैच खेलने वाले हैं, विराट कोहली टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हैं, नो डाउट ये प्लेयर यहाँ पर खेलने वाला है। बात की जाए रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा मैच से ठीक एक दिन पहले इंजर्ड हुए, इनके ऊपर भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि ये नहीं खेल पाएंगे। लेकिन जब इनकी ऑफिशियली रिपोर्ट्स निकाली गई, ऑफिशियली रिपोर्ट्स निकल कर आई, तो साफ हो गया कि रोहित शर्मा भी पूरी तरह से फिट है, टीम इंडिया के साथ ये खेलने वाले हैं, वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच ओपनिंग ये करने वाले हैं और वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत करने वाले हैं। बात की जाए तीसरे बड़े प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं डेल स्टेन। डेल स्टेन पहले ही इंजर्ड थे, साउथ अफ्रीका लगातार दो ओडीआई मैचेस हार चुकी है वर्ल्ड कप 2019 में, काफी निराशाजनक शुरुआत रही है। ऐसे में मैच फिनिश होने से ठीक बाद डेल स्टेन ग्राउंड पर आए, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए और इन्होंने ठान लिया था कि अब ये भारत के खिलाफ मैच को जिताने वाले हैं और वर्ल्ड कप 2019 में अपनी जीत का शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन ओवर प्रैक्टिस के दौरान डेल स्टेन भी चोटिल हुए, अपनी सेकेंड इंजरी के चलते ये पूरे वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं। तो डेल स्टेन के लिए, हम सभी क्रिकेट फैंस के लिए ये एक बुरी खबर है कि डेल स्टेन वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुके हैं और अब साउथ अफ्रीका के लिए कोई भी मैच नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों ये तो रही वो तीन बड़ी खबर, तीनों न्यूज़ तीन बड़े प्लेयर्स की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेल स्टेन की, कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा नहीं खेलने वाला है। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या डेल स्टेन अगला वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नो चांस नहीं खेल पाएंगे। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज लगातार पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।